हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोस को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सोस हिरासत में नहीं है, लेकिन जब खुद सोस ने दावा कर दिया कि सरकार झूठ बोल रही है, तो राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला अब उनके समर्थन में आगे खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देश गवर्नमेंट ने कहा सोस फ्री है और वो कहीं भी जा सकते हैं, वो कभी गिरफ्तार नहीं थे और इनपे लानतदारी इस पुलिस पर। मैं कहता हूँ आपको, ये पुलिस स्टेट बन गई है, ये सिपाही मुझे रोक रहे हैं। कश्मीर की ये वो तस्वीर है जिसको लेकर श्रीनगर से दिल्ली तक सियासत सुलगी हुई है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। राहुल के मुताबिक बिना किसी आधार के राजनीतिक नेताओं को गैर कानूनी हिरासत में रखना देश के ताने बाने को नुकसान पहुँचाता है, सोस को निश्चित तौर पर रिहा करना चाहिए। राहुल के इस ट्वीट के बाद जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से सफाई आई। सूचना विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने ट्वीट किया, सैफुद्दीन सोस ना तो गिरफ्तार है ना ही उन्हें हिरासत में लिया गया है। अक्टूबर और दिसंबर में वो दो बार दिल्ली जा चुके हैं, सुरक्षा के साथ वो कहीं भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने का सवाल ही नहीं है। रोहित कंसल के ट्वीट के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस विवाद में कूद पड़े। उमर ने ट्वीट किया, सोस साहब इलाज के लिए बाहर गए थे और जैसे ही वापस आए उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये बहुत आसान है क्योंकि हिरासत में रखने का कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है, सिर्फ गेट पर तैनात पुलिस को ये बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट ने, अब आप एक बार फिर देखिए कि सोस की हिरासत पर कौन सच्चा और कौन झूठा।